पटना गर्दनी बाग में उर्दू TET ग्रेस पास उम्मीदवारों का लगातार अनिश्चितकालीन 4 दिनों से धरना जारी है। उर्दू TET ग्रेस संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने बताया कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो TET उम्मीदवार को जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं किया गया तो आत्मदाह करेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। उम्मीदवारों को बिहार सरकार ने पास करके उसे आवेदन करवा लिया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में कहीं भी और कभी भी उम्मीदवारों को फेल नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात नहीं तो और नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुद्दा पर, नीतीश कुमार मुद्दा पर हम आत्मदाह करेंगे। ये 48 घंटे के बाद हम ये फैसला हम ऐलान करेंगे इसी मीडिया टीवी के जरिए से, हम मीडिया के सामने और हम लगातार धरना प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे विद्यार्थी और छात्र फर्स्ट में पास थे और सेकंड में भी पास हुए, अच्छी बात है सेकंड में पास हुए हमें खुशी मिली। लेकिन क्या हुआ जो फर्स्ट में पास थे, थर्ड में क्या किया गया, जो फर्स्ट में पास थे उनको भी फेल कर दिया गया। इसलिए कि ग्रेस मार्किंग तो 6 नंबर दिया गया और 13 नंबर काट लिया गया। सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही, इसके लिए आगे क्या रणनीति बनेगा? ये बनाएंगे कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, इसलिए कि हम लोग 6 सालों तक परेशान हैं। अब हम लोग को बेइज्जती जैसा महसूस हो रहा है। नाम बताइए। इशरत परवीन। बंगाल शोरूम, एक नई रंग एक नई अंदाज में, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मेंस वियर। आपको मिलेगा इंपोर्टेड जैकेट्स का सारा रेंज, वो भी सबसे कम दामों पर, साथ ही ब्रांडेड जीन्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स, स्पोर्ट शूज, टी शर्ट्स के साथ और भी ढेर सारे कलेक्शंस। तो आज ही आए बंगाल शोरूम, लियाकत मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, पंजीपारा। कॉन्टैक्ट 9800321।